पहले सीसीटीवी भी तोड़ दिए। आयकर विभाग ने ज्वेलर से सोना जब्त किया था। दो दिन पहले हुई थी ज्वेलर के यहां पर यह कार्रवाई। जवाहर नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पूरी प्लानिंग के साथ चोर आए थे। लकड़ी के दरवाजे को काटकर वो अंदर घुसे, सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा और उसके बाद तसल्ली से उन्होंने चोरी की और वहां से सोना लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है करीब 2 करोड़ की लागत का यह सोना है। कुछ दिन पहले ही इनकम टैक्स के अधिकारियों ने इसे एक ज्वेलर के पास से जब्त किया था। चोरों ने वारदात करने से पहले सीसीटीवी भी तोड़ डाले ताकि किसी भी प्रकार की तस्वीरें उसमें कैद ना हो। इनकम टैक्स ऑफिस से 2 करोड़ का सोना चोरी हो गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुए चोर, उसके बाद सीसीटीवी कैमरों को इन्होंने तोड़ा और फिर इन्होंने तसल्ली से चोरी की। करीब 2 करोड़ का सोना लेके ये यहां से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी तफ्तीश कर रही है। कोई चोर रात को आए हैं, पीछे के जो सीढ़ियां थी अपने ऑपरेटिव उनमें आए, तोड़ करके दरवाजा तोड़ करके मेरे रूम का और कुंडी तोड़ करके अंदर एंटर होकर के और आलमीरा जिसमें चाबी रहती है हमारी सेफ की, उस आलमीरा को किसी लोहे की बड़े राड वगैरह से चोड़ा किया, उसमें से चाबी निकाल कर सेफ डबल लॉक वाली सेफ है उसमें से जेल लेके 2 बैग गए। हिमांशु मित्तल हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ गए हमारे संवाददाता। हिमांशु, चोरों ने बड़ी तसल्ली से पूरी प्लानिंग के साथ चोरी की है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि 2 करोड़ का सोना आखिर जिस जगह रखा हुआ था, क्या वहां सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम थे? आस्था, ये बेहद बड़ा मामला कहा जा सकता है क्योंकि इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर से ये 2 करोड़ का सोना चोरी हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर ये चोरी हुई है, जहां पर ये पूरी घटना घटी है, जिस आयकर बिल्डिंग के अंदर ये चोरी हुई है, वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर अभय कमांड सेंटर है। वो सेंटर जहां पर पूरे कोटा शहर की जो हर हलचल है, हर घटना दुर्घटना पर जो निगाह है, हर शहर के चप्पे चप्पे पर जो निगाह है, वो उस कंट्रोल रूम से रखी जाती है। उसके ठीक पास से 200 मीटर की दूरी पर यह चोरी हुई। चोरों ने बड़ी तसल्ली से पूरी घटना को अंजाम दिया, पूरे प्लान के साथ में एक रैकी के बाद में इस पूरी बड़ी घटना को अंजाम दिया, क्योंकि इनकम टैक्स कार्यालय में जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया ताकि चोरों की जो हरकतें हैं, चोरों की जो करतूत और वारदात को करने का जो पूरा घटनाक्रम है वो कैमरे में कैद ना हो पाए। इसको लेकर के पहले जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें तोड़ा गया, जिसके बाद में अंदर दाखिल हुए और इनकम टैक्स विभाग के जो सहायक निदेशक हैं एएल मीना, उनके कमरे में जो सोना रखा हुआ था उसके अंदर दाखिल होकर के कमरे के दरवाजे को तोड़ करके जहां पर ये सोना रखा था 2 करोड़ का, उसको ये चुरा करके ले गए। आपको बताना चाहेंगे कि 2 दिन पहले ही यहां पर ज्वेलर थे कैलाश चंद मानक चंद ज्वेलर्स के, यहां पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी और अपने आप में ज्वेलर्स के यहाँ कार्रवाई का ये बड़ा मामला था, जिसके बाद में यहीं से ये जो सोना है वो बरामद किया गया था जिसे आयकर विभाग के अंदर रखा हुआ था। और फिलहाल अब बात करें तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामला दर्ज करने के साथ में इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। एक चीज और इसमें ये सामने आई है कि जो 2 नकाबपोश बदमाश हैं वो सीसीटीवी में गेट को तोड़ते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। और फिलहाल अगर बात की जाए तो अब पूरी तरह से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस इस पूरे मामले में पड़ताल करते हुए जांच कर रही है और जल्द चोरों तक पहुंचने की बात कर रही है। जी हाँ, पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही चोरों तक पहुंच जाएगी, इस बात को लेकर पुलिस दावा करती नजर आ रही है। लेकिन यहां पर एक शक ये भी जाता है कि क्या ये मुमकिन है कि भीतर का ही कोई शख्स जो है वो मिला हुआ हो, उसकी कोई साठ गांठ हो, जिसके चलते ये पुख्ता तौर पर जानकारी कि सोना कहां रखा था और जिस तरह से चोरों ने दरवाजा तोड़ा, सीसीटीवी फेल किए, ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है, क्या इस पर भी पुलिस विचार कर रही है? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल आपका है, क्योंकि आयकर विभाग की जिस तरह से बिल्डिंग के अंदर ये पूरी की पूरी घटना घटी है उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि चोरों ने पहले तो पूरी रैकी की और निश्चित तौर पर जिस तरह से कई सारे जो संदेह हैं इस चोरी की घटना के बाद वारदात को अंजाम देने का जो तरीका है उसके बाद में पुलिस को भी है, और पुलिस अब पूरी तरह से जो तमाम जो अधिकारी हैं आयकर विभाग के कर्मचारी हैं उनको बुला करके उनसे पूछताछ कर रही है किसी भी तरह से, क्योंकि आयकर जिस तरह से चोरों ने ये अंजाम दिया है तो उनको पूरी एक एक जगह की प्रॉपर तरीके से जानकारी थी, कहां पर सोना रखा हुआ है, कहां से दाखिल होना है, कहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं,
जिसमें उनकी जो तस्वीरें हैं वो कैद ना हो पाए। आपको बताना चाहेंगे कि आयकर विभाग में बिल्डिंग के पिछले रास्ते से दाखिल हुए, सीढ़ियों के रास्ते पहली मंजिल पर चोर चढ़ते हुए लकड़ी के दरवाजे को काट करके अंदर घुसे। जी हाँ, यानी उन्हें काफी कुछ आइडिया था रास्तों का और कौन सी मंजिल पर सीढ़ियों से जाना है, किधर पीछे के गेट से निकलना है। इसका कहीं ना कहीं चोरों को पहले से इस बात की समझ थी, अपने आप में कई बड़े सवालों की तरफ इशारा करता है। बहरहाल पुलिस जरूर दावा कर रही है कि वो जल्द ही मामले को सुलझा लेगी। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।